खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ असेंबली हल बर्दारी में बद इंतजामी पर इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर मेहमानों को दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं। जी शहाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, लेकिन कल हर बर्दारी के मौका पर जो बद इंतज़ामी देखने में आई तो उसके पेश नज़र असेंबली सेक्रेटरीट ने फैसला किया कि आज विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। तो आज पुरअमन माहौल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ईवान जो 145 अराकीन पर मुश्तमिल है, उसमें कल 116 अराकीन ने हलफ उठाया था। दो अराकीनी असम्बली, एक शांगला से अब्दुल मुनीम खान और तोरगढ़ से लायक मोहम्मद खान, उनका नोटिफिकेशन कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है। तो वो दो असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा, जिस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका।